रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से नहीं चलाई जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था अब काफ़ी बड़ी हो गई है, एक व्यक्ति इसे नहीं चला सकता है और इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। पूर्व गवर्नर का कहना है कि यदि एक ही व्यक्ति द्वारा अर्थव्यवस्था के बारे में निर्णय लिया जाएगा तो एक घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा, राजकोषीय घाटा बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिससे निकलने में काफ़ी समय लगने की संभावना है। ब्राउन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान के दौरान राजन ने कहा, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाने से फिलहाल सुस्ती का माहौल है। राजन ने बताया कि 2016 की पहली तिमाही के दौरान देश की GDP 9% थी, लेकिन अब ये 5.3% के स्तर पर आ गई है। वर्तमान में वित्तीय और बिजली सेक्टर को मदद की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी GDP में वृद्धि के लिए नए क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वित्तीय क्षेत्र जारी अस्थिरता का माहौल एक तरह का लक्षण है, न कि पूरी तरह से जिम्मेदार। पूर्व गवर्नर का कहना है कि मौजूदा समय में जारी आर्थिक सुस्ती के लिए नोटबंदी और उसके बाद हड़बड़ी में लागू किया गया GST जिम्मेदार है। अगर ये दोनों नहीं होते तो अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा होता। सरकार ने किसी की सलाह के लिए बगैर नोटबंदी लागू कर दिया था, जबकि इसके लिए पहले पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। नोटबंदी से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, साथ ही इसे लागू करने के बाद किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।